महाशिवरात्रि स्नान पर्व को दृष्टिगत रखते हुए सारी सम्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और ये प्रयास किया गया है, चूंकि माघ मास समाप्त होने के बाद काफ़ी संस्थाएं वापस जा चुकी हैं, श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े, इसलिए जो हमारा अपर संगम मार्ग है इसकी दाहिनी पट्टी पर हम लोग वाहनों को वहाँ तक आने के लिए अनुमन्य कर रहे हैं, जिससे श्रद्धालु संगम घाट पर संगम तट पर जाकर स्नान कर सकें और उनको पैदल ना चलना पड़े। इसके अलावा जो हमारे मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर है, नागेश्वरनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर पुलिस की सम्यक ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, महिला पुलिस कर्मियों का व्यवस्थापन किया गया है, RAF की टीम्स हमको प्राप्त हुई हैं, उनका हम लोगों ने व्यवस्थापन किया है, क्योंकि जल गंगा जी में जल का स्तर कम हुआ है, इसको दृष्टिगत रखते हुए जाल का व्यवस्थापन हम लोगों ने किया है, जो डीप वाटर बैरिकेटिंग नीचे भी की है और पानी के ऊपर भी की है, जिससे लोग एक सुरक्षित सीमा तक ही स्नान कर सकें, उसके बियॉन्ड ना जाएं, जिससे कि उनकी किसी प्रकार की जान को खतरा उत्पन्न हो सके। और रिवर लाइन के साथ साथ डीप वाटर बैरिकेटिंग और जाल की व्यवस्था, उसके साथ फ्लड कंपनीज़ के जवानों का व्यवस्थापन और SDRF की टीम, NDRF की टीम, प्रशिक्षित गोताखोर, रिवर एम्बुलेंस, फ्लोटिंग पुलिस चौकी, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने जल में भी सुनिश्चित की हैं। जो हमारे CCTV कैमरे हैं पूर्व से प्रचलित हैं और उनके माध्यम से हम लोग ICCC में फीड लगातार ले रहे हैं। सर, मेला माघ मेले का समापन है, ऐसे में करोड़ों श्रद्धालुओं ने यहाँ पे स्नान किया था, पूरे माघ मेले के दौरान कितने श्रद्धालुओं ने लगभग यहाँ पे स्नान किया जी? ये पूरा मेला 44 दिवस का मेला था और पौष पूर्णिमा स्नान के साथ प्रारंभ हुआ और महाशिवरात्रि पर्व के साथ संपन्न हो रहा है। इसमें जो हमारा मुख्य पर्व मौनी अमावस्या था, मौनी अमावस्या पर्व के दिन ही लगभग 2,09,00,000 लोगों ने स्नान किया था, और अगर हम पूरे मेले 44 दिवस की बात करते हैं तो मोटा मोटा मेरे एक अनुमान के मोटे अनुमान के तौर पर लगभग 9 करोड़ से 10 करोड़ के मध्य स्नानार्थी श्रद्धालु इस पूरे माघ मेले क्षेत्र में आए, स्नान किया, दर्शन किया और सुरक्षित अपने गंतव्य को वापस गए।